नमस्कार, इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ की सबसे ताजी खबर मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि जो कि निरहुआ लड़ रहे हैं भाजपा, कमल के बटन को दबाइए और निरहुआ को जिताइए। इस वक्त देखिए उनकी प्रचार गाड़ी के जस्ट सामने है और निरहुआ का जो केंद्रीय जो है केंद्रालय यही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय यही है और यहीं पे निरहुआ जो है आते हैं और यहीं पे सारे जितने भी केंद्र के कार्यकर्ता है सभी को यहाँ से सुचारू रूप से क्या क्या कार्य करना है उन सब सारी चीजों को बताते हुए वो यहाँ से गए हैं। अभी जस्ट हम लोग आए हैं यहाँ से, वो जा चुके थे। इस वक्त देखिए वो निरहुआ जो है यहाँ नहीं है, वो इस वक्त रैली में चले गए हैं क्योंकि योगी जी की आज रैली है तो इस वजह से उनसे हम मिल नहीं पाए हैं। लेकिन देखिए मैं इनके कार्यालय के जस्ट आगे हूँ। देखिए आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि निरहुआ यहीं आके रहते हैं और निरहुआ कुछ दिनों से यहीं डटे हुए हैं। निरहुआ लगता है कि आजमगढ़ की धरती पे चमत्कार करके जाएंगे। देखिए हाँ भैया नमस्कार, निरहुआ जी यहीं रहते हैं तो कब आएंगे? शाम तक आएंगे तो मुलाकात हो सकती है शाम को? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चाचा, तो क्या लग रहा है, हवा निरहुआ जी इस बार जीत जाएंगे? जी सर जी, मैं आजाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी स्वयं जी जी मैं दिनेश लाल निरहुआ का जी प्रचार के लिए जुटा हूँ। अच्छा जी जी, मैं जी दर्जनों गाँव का दर्जनों गाँव का बाजारों का जी जी प्रचार करते हुए आजमगढ़ पहुँचा हूँ। जी जी, हमारे कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष जी पूरी जिला इकाई जाने में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जी विचारों नीतियों से खुश होकर के मैंने भाजपा को समर्थन किया जिला इकाई बैठक। तो क्या लग रहा है कि इस बार निरहुआ जो है अपनी सीट को निकाल लेंगे आजमगढ़ से पूर्ण बहुमत से, और इनके विरोधी पक्ष वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विरोधी पक्ष हैं। अब रही बात चुनाव की तो प्रचार करना भाई हर पार्टी प्रत्याशी की जिम्मेदारी है, तो जी जान से जुटे हुए हैं और हमारे हिसाब से जितने गांवों का हमने दौरा किया सब में अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तो देखिए मेरे अगल बगल जितने भी दिख रही होंगे इनकी प्रचार गाड़ी इधर भी है, इनके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। इस वक्त वो अभी है नहीं तो इसीलिए हम लोगों ने बाहर से ही वीडियोस बना लिया है। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं क्योंकि यदि उनसे कभी मिलना हुआ या फिर शाम के वक्त यदि आएंगे तो उनसे जरूर मिलने की कोशिश करेंगे। और उनके मैं कार्यालय के जस्ट आगे हूँ, निरहुआ यहीं पे आते हैं, यहीं से कुछ देर पहले गाड़ी गई है। आज यहाँ पे नहीं है क्योंकि आज रैली है योगी जी की, तो उसी रैली में वो गए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, तो थैंक यू।